हाय दोस्तों, ये है Redmi K50i 5G स्मार्टफोन जो इसी 20 जुलाई को इंडिया में लॉन्च हो गया है। चलिए इसके सभी कंफर्म्ड फीचर की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको डिस्प्ले साइज 6.6 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है और इसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है, जिससे आप काफ़ी अच्छा स्मूथ फील होगा जब इसे ऑपरेट करेंगे। और टच सपोर्ट इसमें आपको 270 हर्ट्ज का मिल जाता है, जिससे आपको टच रिस्पॉन्स भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और पिक्सल डेंसिटी इसमें आपको 407 PPI की दी गई है और डॉल्बी विजन के सपोर्ट के साथ आता है। और इसके डिस्प्ले में मेट ए प्लस सर्टिफिकेशन स्क्रीन दिया गया है और वाइड वाइन L1 HDR 10 प्लस सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है, जिससे डिस्प्ले बहुत ही शानदार बन जाता है कंटेंट वॉचिंग के लिए। यानी आप कंटेंट वॉचिंग बहुत ही अच्छे तरीके से इससे कर पाएंगे, जैसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स Amazon Prime के HDR कंटेंट भी अच्छे तरीके से आप इंजॉय कर पाएंगे। और इसके डिस्प्ले में पीक ब्राइटनेस 650 nits की मिल जाती है और Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन के साथ आता है। और कैमरे की बात करें तो इसके पीछे की तरफ आपको 3 कैमरे मिल जाएंगे, जिसमें 64 MP का मेन कैमरा, 8 MP अल्ट्रा वाइड और 2 MP मैक्रो है। और इन कैमरों से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर पाएंगे। और सेल्फी के लिए आपको 16 MP कैमरा मिल जाता है, इससे भी आप 1080p वीडियो यानी फुल HD वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर पाएंगे। और रैम इसमें आपको 6GB 8GB और स्टोरेज 128GB 256GB के ऑप्शन मिल जाएगा। और रैम क्वालिटी की बात कर लेते तो इसमें आपको रैम टाइप LPDDR5 और UFS 3.1 टाइप की स्टोरेज मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 8100 प्रोसेसर दिया गया है, जिसका फैब्रिकेशन 5 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है। और इसकी पीक क्लॉक स्पीड आपको 2.8 GHz की मिल जाती है। और गेमिंग और ग्राफिक्स को मैनेज करने के लिए इसमें GPU माली G610MC6 दिया गया है। यानी कहा जाए तो ये प्रोसेसर बहुत ही शानदार है, अच्छा खासा पावरफुल है और इसके कारण आप बहुत ही अच्छी गेमिंग कर पाएंगे, किसी भी तरह का लैग आपको डे टू डे लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। और गेमिंग के अलावा आप अच्छी खासी वीडियो रेंडरिंग या एडिटिंग कर पाएंगे। और 91 मोबाइल के द्वारा टेस्ट किया गया है कि इसका एंटीट्यू स्कोर 827,000 के आसपास देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर है परफॉर्मेंस वाइज। और ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड MIUI 13 पर काम करता है। और बैटरीज में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और 67W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। और इसमें आपको NFC सेंसर मिल जाता है, जिससे आप नियर फील्ड कम्युनिकेशन कर पाएंगे। इसका मतलब होता है आप अपने कॉन्टैक्ट्स, वीडियोस, इमेज को वायरलेसली किसी एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन में सेंड कर सकते हैं और आप वायरलेसली सिक्योर पेमेंट भी कर पाएंगे। और IR ब्लास्टर सेंसर भी दिया गया है और इस सेंसर से आप कर पाएंगे रिमोटली अपने घर की चीज़ों का कंट्रोल। और लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जिससे हीटिंग इशू आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, VC लिक्विड कूलिंग है। और 3.5 ऑडियो जैक, स्टीरियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है, जिससे अच्छा खासा आपको रिच साउंड क्वालिटी मिल जाएगा। और साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया ही गया है। और इस फोन में आपको 2 साल का सिस्टम अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाता है। और डस्ट और फ्लैश वाटर से बचने के लिए इसमें आपको डिवाइस में IP53 की रेटिंग मिल जाती है। और प्राइस की बात करो 6GB 128GB वाली वेरिएंट की प्राइस 25,999 रुपये है और वहीं 8GB 256GB वाली वेरिएंट की प्राइस 28,999 रुपये। लेकिन आपके पास यदि ICIC का ATM कार्ड है तो आपको 3,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस Redmi K50i 5G की सेल 23 जुलाई से शुरू होगी, जिसे यूजर्स Amazon, MI.com, Chroma जैसे प्लेटफॉर्म से खरीद पाएंगे और इसे 3 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। यदि वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल पे करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।